नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रियंका ललावत। आइए नजर डालते आज की खबरों की ओर। उज्जैन में आयोजित हो रहे रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आयोजन स्थल पर बड़े बड़े डोम मुहूर्त आकार लेने लगे हैं। बता कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव की यहाँ उज्जैन सहित संभाग के अन्य जिलों और राज्य के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र को एक बड़ी सौगात होगी। यहाँ आयोजन उज्जैन शहर के उद्योग जगत के लिए एक नए इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल के रूप में स्थापित करेगा। सीएम की ओर से इस कार्यक्रम में आशय से कार्यवाही के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आयोजन में 100 से अधिक इकाइयों को भूमि का आशय पत्र और आवंटन पत्र जारी किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में 12 से अधिक औद्योगिक स्थान पर विभिन्न इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी वर्चुअल सीएम यादव करेंगे। उज्जैन पुलिस ने वृद्ध महिला का अपहरण कर लूट करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों ने वाहन की किस्त भरने के लिए लूट की घटना को अंजाम दिया था। बताइए कि दो दिन पहले वेदनगर में रहने वाली वृद्ध महिला शकुंतला पांडे का नानाखेड़ा क्षेत्र में दो बदमाशों ने कार में अपहरण कर सोने के टॉप्स और चेन लूट ली थी और वृद्ध महिला को भूखी माता मंदिर के समीप छोड़कर फरार हो गए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दो बदमाशों को गिरफ्तार कर वारदात को अंजाम दिया। एसपी ने बताया कि पुलिस टीम को 20,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया गया है। पत्रकार वार्ता में फरियादी शकुंतला पांडे और परिजन भी मौजूद थे, जिन्होंने बदमाशों को पकड़ने वाली पुलिस टीम का सम्मान किया। शुरू दिन से मुझे उस वक्त पुलिस वालों की गाड़ी भी मिल गई थी। उन लोगों ने भी सबको बुला के, मतलब उन्हीं के साथियों को बुला के, और मेरा पूरा रात घर पे ही सब इंटरव्यू हो गए, वो रिपोर्ट रिपोर्ट लिखी और दूसरे दिन भी आए लेके गए मुझे। बहुत अच्छा सहयोग किया उन्होंने और उनके सहयोग से ही जल्दी सुलझ पाई। क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो घर पे रोज मंदिर जाती हूँ, रोज लौटे घर पे आ रही थी। मुझे कैसे नहीं पता कि घर पड़ोस का ही मतलब इम्प्लाई में कुछ पता कर गया। आपको पता होगा कि परसों रात को वेदनगर में माता जी हैं 74 साल की, उनके साथ कुछ लोगों ने उनको किडनैप करके और लूट की घटना कारित करी थी। इसमें दोनों आरोपियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। एक आरोपी वहीं उसी कॉलोनी में डे केयर में रहता था और वहीं किराए से रहने लगा था। ताज्जुब की बात यह है कि जिनके यहाँ डे केयर में रहता था उन्होंने भी इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया, साथ ही जिन्होंने किराए से रखा था उन्होंने भी इसका वेरिफिकेशन नहीं कराया। दूसरा आरोपी इसका साथी है। दोनों ने कुछ महीने पूर्व एक अर्टिगा और एक प्लैटिना अपने अपने नाम पर खरीदी थी, जिसकी एक किश्त जमा नहीं कर पा रहे थे और इसी कारण इन्होंने यह घटना कारित करी। इसमें पूरी टीम में एडिशनल एसपी साहब हमारे वेस्ट और ईस्ट गुरु प्रसाद पारशर, सीएसपी दीपिका शिंदे, डीएसपी क्राइम योगेश जी और थाना प्रभारी और साइबर से प्रतीक, उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। 24 घंटे में ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गाड़ियां इसमें बरामद हुई हैं। जो सोने की चेन और इयररिंग्स लूटे गए थे वो भी बरामद किए गए हैं। इनका एक पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी मारपीट का 2020 का मिला है। अन्य थाना क्षेत्रों में भी अगर इन्होंने इस प्रकार की कभी घटना की और जहाँ जहाँ ये डे केयर में रहे उसके संबंध में भी हम लोग जानकारी लेके उसके अगर उससे रिलेटेड भी कोई सूचना प्राप्त होती है तो कार्रवाई करेंगे। सर, मकान मालिक पे भी कार्रवाई की? हाँ बिल्कुल, ये जो मकान मालिक हैं और जो डे केयर हैं, हालांकि वो वृद्ध हैं तो उसको संवेदनशीलता से देखते हुए, परंतु सभी को मैसेज क्लियर करने के लिए कि अगर आप इस तरह से किसी किराएदार को रखते हैं या किसी को डे केयर के लिए एम्प्लॉय करते हैं या किसी को घर में भी आप काम के लिए एम्प्लॉय करते हैं तो उसके संबंध में तत्काल नियरेस्ट थाने में आप लोग वेरिफिकेशन कराएं। ये आप सभी से मेरा अनुरोध है। उसको देखते हुए, उनकी उम्र देखते हुए हम संवेदनशीलता से उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई कानूनी होगी वो करेंगे।